नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है विनायक चतुर्थी और लोहड़ी, जानें महत्व। कृषि वानिकी योजना का लाभ लेने के लिए यहां से करें आवेदन। बिहार बोर्ड कक्षा 9-11 की मासिक परीक्षा 2024 का टाइम टेबल जारी। जोरम को ऑस्कर लाइब्रेरी में एंट्री मिलने पर मनोज बाजपेयी का बयान। T20 सीरीज में जीत हासिल करने के इरादे से आज मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग में 121 पदों पर भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने विशेषज्ञ ग्रेड 3, सहायक प्राणी विज्ञानी वैज्ञानिक बी और सहायक औद्योगिक सलाहकार के 121 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो https://upsconline.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार एक बार https://upsc.gov.in/sites/default/files/adv-01-2024.pdf पर जाकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। आज है विनायक चतुर्थी और लोहड़ी, जाने महत्व। आज यानी कि 14 जनवरी को विनायक चतुर्थी और लोहड़ी है। बता दें कि ज्योतिषियों के अनुसार मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष 15 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति और 14 जनवरी को लोहड़ी है और लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। बता दें कि आज विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य और आय में वृद्धि होती है। वहीं अगर लोहड़ी की बात करें तो यह पर्व मुख्य रूप से सिख समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आज के दिन लोग शाम को आग का अलाव लगाते हैं और उसके चारों ओर एकत्र होकर अग्निदेव को मूंगफली, खिल, चिक्की और गेहूं की बालियां अर्पित करते हैं। इस दिन किसान अच्छी फसल की कामना करते हैं और ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अग्निदेव की पूजा करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कैमूर हिल्स के बारे में। कैमूर हिल्स लगभग 483 किलोमीटर लंबी विंध्य पहाड़ियों का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कटंगी से बिहार के सासाराम जिले के आसपास तक फैला हुआ है। विंध्य पहाड़ियों ने सबसे प्राचीन काल से मानव गतिविधियों का आश्रय दिया है। यह पहाड़ियां जो भारतीय उपमहाद्वीप में अरावली के साथ सबसे पुरानी चट्टान संरचनाओं में से एक है, मुख्य रूप से पुरानी आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनती है, जो यहां उनके शानदार रूपों और सुंदर आकारों में देखी जाती है। यहां पर बहने वाली नदियां दुर्गम और ऊंचे घाटियों से होकर गुजरती हुई कई अनोखे जलप्रपात का निर्माण करती है। मॉनसून के समय इन जलप्रपातों की अलौकिक खूबसूरती और दुर्गम घाटियों के विहंगम दृश्य यहां के वातावरण को सुकून और रोमांच से भर देते हैं। इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पौराणिक अवशेष संरक्षित के लिए हिंदू देवी देवताओं के पौराणिक और रहस्यमय मंदिर इस घाटी की लोकप्रियता को और भी खूबसूरत बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यह स्थान पर्यटकों को उन्हें प्रकृति के करीब होने का एहसास कराता है। कृषि वानिकी योजना का लाभ लेने के लिए यहां से करें आवेदन। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि कृषि वानिकी योजना के तहत मात्र 10 रुपए प्रति पौधे की सुरक्षित राशि 3 वर्षों के लिए देकर पौधे प्राप्त किया जा सकता है। 3 वर्ष बाद सुरक्षित जमा राशि 10 रुपए वापस कर दी जाएगी। वहीं कृषकों को 3 वर्ष के बाद पौधों की 50% या उससे अधिक उत्तरजीविता होने पर 60 रुपए प्रति पौधा अलग से दिए जाएंगे और साथ ही तैयार पौधों पर किसानों का पूर्ण अधिकार होगा। बता दें कि इस योजना का मुख्य अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और किसान की आय में बढ़ोतरी करना है। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए संलग्न आवेदन पत्र भरकर स्थानीय वन प्रमंडल या वन प्रक्षेत्र कार्यालय में सुरक्षित राशि 10 रुपए प्रति पौधा के साथ समर्पित करें। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.forest.bih.nic.in पर विजिट करें। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जमीन का कागजात, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति शामिल है। अधिक जानकारी के लिए 0612222691 पर संपर्क कर सकते हैं।
बिहार बोर्ड कक्षा 9-11 की मासिक परीक्षा 2024 का टाइम टेबल जारी। जनवरी 2024 में होने वाली कक्षा 9 और कक्षा 11 की परीक्षाओं को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके अनुसार कक्षा 9 की परीक्षा की शुरुआत 22 जनवरी 2024 से होगी, जो कि 24 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली में 22 जनवरी को मातृभाषा की परीक्षा आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। इसके अलावा दूसरे दिन यानी कि 23 जनवरी को पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान और 24 जनवरी को पहली पाली में गृह विज्ञान और दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित होगी। इसी तरह कक्षा 11 की परीक्षा 22 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। आईजी शिवदीप लांडे ने अपराधियों के खिलाफ मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप वामन राव लांडे के द्वारा हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न संगीन मामलों में फरार चल रहे 23 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक को भेजा है। बता दें कि 23 अपराधी मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के हैं, जिसमें 3 लाख रुपए के इनामी अपराधियों में जिले के 7 अपराधी शामिल हैं। बता दें कि शिवदीप लांडे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन अपराधियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है, उसमें राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर, पवन भगत, संजय शाही, रमेश ठाकुर, अरविंद रॉय, छोटू सिंह उर्फ प्रताप राणा, कुमार रंजय ओंकार, राव विवेक उर्फ पिड़ंकी, राकेश कुमार उर्फ छोटू, दिलीप कुमार सिंह के नाम शामिल है। वहीं इसके अलावा विकास महतो उर्फ राजू पटेल उर्फ राजू सिंह पर 2-2 लाख रुपए के इनाम का प्रस्ताव भेजा गया है। जानकी जन्मभूमि से अयोध्या के लिए निकली सनेस समर्पण यात्रा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मां जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से बड़े ही धूमधाम से अयोध्या के लिए सनेस समर्पण यात्रा निकली। वहीं इस यात्रा के निकलने से पहले पूर्व महंत कौशल किशोर दास के द्वारा सनेस समर्पण रथ यात्रा का पूजन किया गया और फिर जय सिया राम, जय जानकी, जय पुनौरा धाम के जयकारे के साथ यह यात्रा निकली। बता दें कि इसमें सबसे आगे बगही सरकार का रामरथ चल रहा था। वहीं इस यात्रा के साथ 5 ट्रक, 100 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियां, 2 दर्जन संत व 500 से अधिक भक्त भी अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए हैं। इसके साथ ही 2 कीर्तन मंडली भी अयोध्या के लिए रवाना हुई है। मालूम हो कि रथ को विदा करने वालों में भाजपा के पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, भाजपा नेता प्रोफेसर उमेश चंद्र झा के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। यह रथ यात्रा शिवहर होते हुए जाएगी, जहां देकुली धाम में विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्वागत समारोह भी रखा गया है। जोरम को ऑस्कर लाइब्रेरी में एंट्री मिलने पर मनोज बाजपेयी का बयान। बिहार के लाल और बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि यह फिल्म 8 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म की ओर दर्शकों का खास रुझान नहीं देखा गया। वहीं अब इस फिल्म को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज लाइब्रेरी के द्वारा ऑस्कर लाइब्रेरी में जगह दी गई है, जिस पर मनोज बाजपेयी के द्वारा भी अपनी खुशी व्यक्त की गई है। उन्होंने न्यूज 18 को दिए साक्षात्कार में कहा कि यह एक बहुत अच्छी खबर है जो हमारे पास आई है। मुझे सच में लगता है कि हम इसके साथ एक पूर्ण चक्र में आ गए हैं। मैं वैलिडेशन के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूं क्योंकि यही वह है जो मैं करना चाहता था और इसी के लिए मैं जुनूनी हूं। बता दें कि मनोज बाजपेयी के द्वारा इस फिल्म के कलेक्शन की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस फिल्म के खाते में सिर्फ 40 लाख रुपए ही आए थे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वरी दुबे के बारे में। बिंदेश्वरी दुबे का जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, ट्रेड यूनियनवादी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 12 मार्च 1985 और 13 फरवरी 1988 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। दुबे भारतीय कुरियरियों के राष्ट्रीयकरण में शामिल थे, खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में जो उस समय बिहार का हिस्सा था। उन्होंने राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री परिषद में कानून, न्याय और श्रम विभाग संभाले। इससे पहले उन्होंने शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राज्य स्तर पर पद संभाला था। वह 1980 और 1984 के बीच बिहार में गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह 1988 में अपनी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इससे पहले वह 1952 से 57, 1962 से 77 और 1985 से 88 के दौरान बिहार विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के अलावा इंटक के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। बिहार सरकार हर साल 14 जनवरी को दुबे की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में आयोजित करती है। दुबे की मृत्यु के कुछ दिनों बाद दुबे प्रेमियों द्वारा बिंदेश्वरी दुबे स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। TRE 2 में नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे शिक्षकों में खुशी।
बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पास हुए शिक्षकों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान नवनियुक्त शिक्षकों में खुशी देखने को मिली। उनका कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतने कम समय में ही इतनी बड़ी मात्रा में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वहीं कुछ शिक्षकों के द्वारा कहा गया कि हम लोग के पाठक से नहीं मिल पा रहे, इस बात का हमें बहुत खेद है। मालूम हो कि इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया कि बिहार परिवर्तन की भूमि है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वह देश भर में नजीर बना हुआ है। कुछ लोग नफरत बांटने में लगे हुए हैं और हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो बिहार विकास में अलग मुकाम पर होता। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि जो सरकार कहती है वो करती है। आज कपकपाती सर्दी है लेकिन गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम को देखकर बहुत लोगों का धुआं निकल रहा होगा। जो लोग कहते थे कि भगवान भी यहां आ जाए तो नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिला सकते, वैसे लोगों को जवाब मिल गया होगा क्योंकि हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। आज हम दूसरे प्रदेश के लोगों को भी बिहार में नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी। जाने आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है बेस्ट। अगर आप भी खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं जो आपके बजट के आधार पर चुने जाते हैं। मालूम हो कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पॉलिसी खरीदता है। इसके अलावा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पूरे परिवार की पॉलिसी कवर होती है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस में वृद्धावस्था के व्यक्ति के लिए पॉलिसी होती है। वहीं कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस में बीमारी के चिकित्सा खर्चों का भुगतान कैशलेस किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस कवर में बीमारियों के लिए कवरेज होती है जो गंभीर और जीवन संग बना सकती है। मैटरनिटी कवर में गर्भावस्था से संबंधित खर्चों का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा जनरल इलनेस कवर में जीवन शैली, लोगों की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाली बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में आप खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि आपके लिए किस तरह का इंश्योरेंस सबसे ज्यादा उपयुक्त है। बागवानी करने के लिए बिहार सरकार से पाए 75% अनुदान। अगर आप शहर में रहते हैं और आप जगह की कमी होने की वजह से अपने छत पर बागवानी करने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से बागवानी करने के लिए 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी मदद से आप फल सब्जी के अलावा औषधीय पौधे भी लगा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें फोटो युक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली बिल या नगर पालिका की रसीद और खाली छत की फोटो शामिल है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास 300 वर्ग फुट का खुला हुआ स्थान होना जरूरी है। मालूम हो कि पहले इस योजना के तहत केवल 50% अनुदान दिया जाता था, लेकिन इस बार इस योजना के तहत फार्मिंग बेड व गमले को भी जोड़ दिया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर 15 जनवरी को पहुंचेंगे सिवान। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर 15 जनवरी को सिवान के महाराजगंज प्रखंड अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की धरती कहे जाने वाले गांव बंगड़ा जाने वाले हैं, जहां वो आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और साथ ही इस दौरान राज्यपाल के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा और फिर रघुवीर सिंह पुस्तकालय सह वाचनालय का भी अवलोकन किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल के द्वारा शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाए गए शहीद सम्मान भवन का शिलान्यास करेंगे और फिर सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। ऐसे में राज्यपाल के आगमन को लेकर गांव में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार में एक शिक्षक पर अब इतने बच्चों की जिम्मेदारी। बिहार में हो रही शिक्षकों की बहाली से राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अब राज्य के स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात में भी पहले से काफी सुधार आ रहा है। बता दें कि दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के बाद चयनित हुए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब राज्य के प्राथमिक विद्यालय में PTR अनुपात 35 छात्र अनुपात एक शिक्षक हो गया है, जो कि राष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षक के अनुपात के बराबर है। वहीं यह अनुपात पहले चरण के शिक्षक नियुक्ति के बाद 38 छात्र अनुपात एक शिक्षक हो गया था, लेकिन उससे पहले यह अनुपात 45 छात्र अनुपात एक शिक्षक था। वहीं इसी तरह अब माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात घटकर 36 छात्र अनुपात एक शिक्षक हो गया है, जबकि पहले चरण की नियुक्ति के दौरान यह अनुपात 50 छात्र अनुपात एक शिक्षक था और इससे पहले यह अनुपात 88 छात्र अनुपात एक शिक्षक था।
बिहार में ठंड का प्रकोप जारी। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। IMD के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन में पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 15 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। मकर संक्रांति पर भी काफी ठंड रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना है। IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों में घना कुहासा छाए रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ स्थानों में शीत दिवस होने की संभावना है। इनको लेकर IMD की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के अधिकांश स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है और IMD की ओर से ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे बोधगया। बीते दिन शनिवार को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। बता दें कि बीते दिन सबसे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह गया ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी पहुंचे थे, जिसके बाद वो महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत BTMC सचिव एवं अन्य सदस्यों के द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर किया गया। वहीं फिर मंदिर के पुजारी के द्वारा मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। वहीं इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गया OTA से लेकर बोध गया महाबोधि मंदिर तक सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था। गया OTA से बोध गया जाने के मार्ग पर पुलिस बलों में काफी संख्या में तैनाती की गई थी। मुंगेर की बेटी सृजा सेन गुप्ता को मिलेगा देश का प्रतिष्ठित अवार्ड। बिहार की बेटियां भी अब हर क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बिहार के मुंगेर की बेटी सृजा सेन गुप्ता, जो मुंगेर 2023 में फॉरएवर मिस इंडिया की विजेता रह चुकी हैं, अब उन्हें 27 जनवरी 2024 को रेडिएशन ब्लू होटल ग्रैंड फिनाले देश की राजधानी दिल्ली में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के हाथों एशिया इंटरनेशनल द्वारा राइजिंग भारतीय यंग मॉडल ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अवार्ड के लिए सृजा सेन गुप्ता को 2500 प्रतिनिधियों में से चुना गया है। ऐसे में पुरस्कार को पाकर सृजा सेन गुप्ता के द्वारा न केवल मुंगेर का बल्कि बिहार का भी नाम रोशन करने का काम किया गया है। मालूम हो कि इससे पहले सृजा सेन गुप्ता को वर्ष 2023 में जयपुर में मलाइका अरोड़ा की ओर से बेस्ट मॉडल का अवार्ड दिया जा चुका है। सीएम नीतीश ने इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को ठुकराया। बीते दिन इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें RJD अध्यक्ष लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, MK स्टालिन समेत 14 दलों के नेता शामिल हुए। वहीं इस बैठक में कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सीएम नीतीश के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसको लेकर JDU नेता सह मंत्री संजय झा के द्वारा बयान देते हुए कहा गया कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में प्रस्ताव आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इनकार कर दिया। अभी उन्होंने अपनी कोई सहमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ही गठबंधन को लीड करे, ऐसे में अब पार्टी के अंदर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मालूम हो कि अब तक इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। सीएम नीतीश के द्वारा संयोजक बनने को लेकर किए गए इनकार पर सम्राट चौधरी का बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इंडिया गठबंधन के वर्चुअल बैठक में खुद को संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव पर इनकार कर दिया गया, जिससे कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। बता दें कि इसको लेकर बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों से अलग इसलिए किया गया था कि देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी का सपना तोड़ने का काम किया। इतने लंबे समय तक 1.25 साल से इसलिए लगे थे कि इन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी ही पार्टी की चिंता करती है, गठबंधन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। T20 सीरीज में जीत हासिल करने के इरादे से आज मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है, जो कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मोहाली में गुरुवार को हुए T20 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 15 गेंद बाकी रहते हुए 6 विकेट से आसान शिकस्त दी। ऐसे में आज टीम इंडिया दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी। बता दें कि भारत और अफगानिस्तान की टीमें अब तक T20 इंटरनेशनल में 6 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें 5 बार टीम इंडिया को जीत मिली है तो वहीं 1 बार कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके अलावा इंदौर में भारतीय टीम ने अब तक 3 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, यहां उसे 2 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देख सकते हैं, या इसके अलावा इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप पर भी देख सकते हैं।
भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। जगत गुरु कृपालु महाराज ने 1954 में 7 दिनों तक 500 से ज्यादा हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया। उन्हें 5वां जगत गुरु चुना गया। 1969 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। 1989 से इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ। भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को 1999 में समर्पित किया गया। सरकार ने विदेशी पत्रों के फेसिमाइल संस्करणों से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने की 2009 में घोषणा की। 1551 को मुगल साम्राज्य में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ और 1886 में समाज सुधारक मंगू राम का जन्म हुआ। 1896 में ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री CD देशमुख का जन्म हुआ। 1905 में हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे का जन्म हुआ। 1926 में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का जन्म हुआ। 1942 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल का जन्म हुआ। 1977 में भारत के एकमात्र फार्मूला वन चालक नारायण कार्तिकेयन का जन्म हुआ। 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ, जो हिंदी साहित्यकार थे। वायरल में आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या आपको एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने नागरिकों को कोल्ड ड्रिंक से बचने की सलाह दी है क्योंकि वे इबोला वायरस से दूषित है। PIB ने अभी ट्वीट में आगे लिखा है कि मैसेज फर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। व्हाट्सएप में सेटिंग को ऑफ कर बचाई हैक होने से। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप सेटिंग में मीडिया ऑटो डाउनलोड को ऑन रखा होता है। इसकी वजह से जब भी आपका स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है, मीडिया फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। मीडिया फाइल से हमारा मतलब ऑडियो, वीडियो और GIF फाइल से है। GIF और वीडियो फाइल्स के जरिए हैकर्स आपके फोन का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपने भी व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड ऑन कर रखा होगा तो आप इस तरह ही किसी हैकिंग का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में किसी अननोन पर्सन के वीडियो, GIF इमेज या दूसरे मीडिया फाइल ऑटोमेटिक आपके फोन में डाउनलोड हो सकती है। इसलिए इस मुसीबत से बचने के लिए आपको इस सेटिंग को ऑफ करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ऐप को लॉन्च करना होगा। इसके बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। यहां आपको स्टोरेज एंड डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप ऑफ कर सकते हैं। फोटो में त्रुटि होने पर भी मतदान से वंचित नहीं होंगे मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 2024 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र में मतदाता की तस्वीर धुंधली या गड़बड़ होती है तो उस स्थिति में भी मतदाता मतदान देने से वंचित नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में मतदाता आधार, पैन व अन्य अधिकृत पहचान पत्रों के आधार पर मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार राज्य में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र 99% जारी किए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी मतदाता के तस्वीर में त्रुटि होने की संभावना है तो उसको लेकर आयोग की ओर से यह प्रावधान किया गया है। बता दें, विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। देसी चाइनीज वाली चिंग्स और स्मिथ एंड जोन्स सॉस बनाने वाली कंपनियों को खरीदेगा टाटा। देसी चाइनीज के नाम से प्रसिद्ध चिंग्स और लोकप्रिय सॉस ब्रांड स्मिथ एंड जोन्स बनाने वाली कंपनियों को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा अपने बिजनेस को मजबूती देने के लिए खरीदने वाली है। बता दें, इसको लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है कि टाटा और कैपिटल फूड्स और फैब इंडिया के बीच अधिग्रहण की डील पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ऐसे में अब ये डील पूरा होने के बाद ये दोनों कंपनियां टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का हिस्सा बन जाएंगी। बता दें कि टाटा कंज्यूमर के द्वारा ऐलान करते हुए बताया गया है कि उनके द्वारा कैपिटल फूड्स कंपनी को 5,100 करोड़ रुपए में खरीदा जाने वाला है, तो वहीं फैब इंडिया ब्रांड को उनके द्वारा 1,900 करोड़ रुपए में खरीदा जाने वाला है। ऐसे में दोनों कंपनियों को टाटा की ओर से 7,000 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यहाँ में कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बने हैं? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बंगलोर, ऑप्शन डी सूरत और इंदौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत और इंदौर। अगला सवाल, हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन ए अमिता मेहरा, ऑप्शन बी दिव्य कृति सिंह, ऑप्शन सी पार्वती बायराम जी, ऑप्शन डी परमित कौर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिव्य कृति सिंह। अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से कहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दिल्ली से अयोध्या, ऑप्शन बी नोएडा से अयोध्या, ऑप्शन सी मुंबई से अयोध्या, ऑप्शन डी अहमदाबाद से अयोध्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद से अयोध्या। अगला सवाल, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी महेश नारायण, ऑप्शन डी हसन इमाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, वर्ष 2018-19 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवहर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अर्षद अंसारी, खुशी शर्मा, निखत परवीन, राजकिशोर महतो, नुनु गोलू कुमार, ललन कुमार चंद्रवंशी, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुन्ना कुमार, मंटू कुमार, अनवर करीम खान, पंकज कुमार दास, रविशंकर, रवि कुमार राम, लक्ष्मी मेहता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में जीत हासिल कर क्या भारत इस सीरीज पर कब्जा कर पाएगी? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।